हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सोवरेनिटी के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल मूव फॉरवर्ड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी। देन सोवरेनिटी के डिफरेंट टाइप्स है। पहला है रियल एंड टिट्यूलर सोवरेनिटी। तो गाइस, इन शॉर्ट आई विल टेल यू, मतलब रियल और टिट्यूलर सोवरेनिटी होता क्या है। रियल मतलब रियल सोवरेनिटी होती है कि जो पर्सन होता है, मतलब जो अपने को दिखता है उसी के पास जो ओरिजिनल पावर होती है, सुप्रीमिटी होती है। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनके पास रियल सोवरेनिटी है, उनके पास रियल पावर है। एंड टिट्यूलर मतलब जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो गई, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास रियल सोवरेनिटी नहीं है, वो सिर्फ क्या टिट्यूलर है। जो रियल सोवरेनिटी है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये होता है रियल एंड टिट्यूलर सोवरेनिटी। जैसे कि जो क्राउन, जो मतलब इंग्लैंड है, उसमें जैसे कि जो पहले का राज चल रहा था, जैसे कि जो पावर होती है क्राउन में होती है, तो अभी भी क्राउन में ही जो सारी सुप्रीमिटी है वो क्राउन में ही है। और जो वहाँ की पार्लियामेंट्री फॉर्म है तो उसमें उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, एज़ जो पावर है वो वेस्टेड है क्राउन में। तो ये हो गई रियल एंड टिट्यूलर सोवरेनिटी। देन व्हाट इज़ अ लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी। देन अनदर डिस्टिंक्शन इज बिटवीन लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी। द लीगल सोवरेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट। द लीगल सोवरेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट। तो जो लीगल सोवरेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, विच मीन्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द होल्डर और होल्डर ऑफ द पावर इन द लीगल सेंस। तो मतलब जो लीगल सेंस में होल्डर उसको आइडेंटिफाई करना, एंड देन देयर कैन नॉट बी एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द पर्सन और पर्सन हु एक्सरसाइज द पावर ऑफ सोवरेनिटी इन द आई ऑफ लॉ। मतलब जो लॉ के सामने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट है उनके हाथ में जो पावर है वो है, तो मतलब जो भी डिसीजन है लिया जाएगा तो उसे पहले जाके हमारे प्रेसिडेंट को दिखाना पड़ेगा, देन उनकी साइन होंगी। मतलब ये कैसा हो रहा है, लीगल काम चल रही है तो उनकी साइन होंगी और वो लॉ फिर पास होगा। तो ये क्या हो गया, लीगल सॉवरिनटी। देन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लीगल सॉवरिनटी इज़ अ ब्रिटिश किंग इन पार्लियामेंट, विच एज वन पॉलिटिकल साइंटिस्ट पुट इट, मे दी मॉडल ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मे प्रोलोंग इट्स लाइफ मे लीगलाइज इलीगलैरिटीज एक्सेट्रा। ओके, देन पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज वेरी वैग्यू एंड कन्फ्यूजिंग। पॉलिटिकल सोवरेनिटी कैसी है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। लीगल सोवरेनिटी कन्फ्यूजिंग नहीं थी, पॉलिटिकल जो सोवरेनिटी है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट बिहाइंड द लीगल सोवरेनिटी लाइज द पॉलिटिकल सोवरेनिटी। तो लीगल के बैकवर्ड में, बिहाइंड में पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइज करती है, टू विच द लीगल सोवरेन हैज टू बी बो। पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द लॉ। इट इज़ नॉट डिटर्मिनेट ऑल्सो इन द सेंस दैट इट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होती है और इसका आइडेंटिफिकेशन भी काफ़ी डिफिकल्ट है। येट इट्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लेकिन इसका जो एग्जिस्टेंस है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द लीगल सोवरेन। वन राइटर हैज़ आइडेंटिफाइड द पॉलिटिकल सोवरेन एज अ सम टोटल ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसेस इन अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेर द पीपल पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लीगल एंड द पॉलिटिकल सोवरेन इज ब्लर्ड। But in a representative democracy, this distinction become obvious where people participate in law making and decision making indirectly through their representatives. जैसे कि जो हमारी इलेक्शन होती थी, इलेक्शन प्रोसेस होती है, वहाँ पर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। देन हम जो पार्टी के कुछ मेम्बर्स है उसे हम यहाँ पर इलेक्ट करते हैं, वो जाके आगे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गई पॉलिटिकल सोवरेनिटी। देन मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन इज डिज्योर एंड डिफैक्टो सोवरेनिटी। डिज्योर का मतलब होता है लीगल राइट एंड डिफैक्टो होता है रियल। ऑफन द डिज्योर सोवरेन एंड द डिफैक्टो सोवरेन आर द सेम बिकॉज द पर्सन और पर्सन होल्डिंग पावर आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज बाय द लॉ। तो ये संबोध क्या है, सेम है, बिकॉज द पर्सन और द पर्सन होल्डिंग पावर सेम होता है, रिकॉग्नाइज बाय द लॉ।
The distinction between the two becomes real in some situation of crisis, which may be the result of a coup or any other kind of violent overthrow by the government. For example, in Russia, the communist overthrew the Tsarist government. इसका एग्जांपल क्या है, रशिया में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने क्या किया, तो ओवरथ्रो किया था सैरिस्ट गवर्नमेंट को. वाइल द लॉ रिकॉग्नाइज द लैटर एज द होल्डर ऑफ पावर, इन रियलिटी द फॉर्मर वाज इन कमांड एंड यूजिंग द अथॉरिटी. सिमिलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार, मेनी कंट्रीज वर डिफीटेड बाय जर्मनी एंड द जर्मन रूलर्स बिकेम डिफैक्टो रूलर्स, दैट इज द रियल रूलर. But the law in the respective countries still recognize the overthrown government as the ruler. लेकिन बहुत सारी कंट्री थी जिन्होंने किसे एक्सेप्ट किया था, डिफैक्ट जो ओवरथ्रोन रूलर थे उन्हें ही डिफैक्ट रियल रूलर कहा था. Then in 1971, as a result of liberation from Pakistan, Bangladesh become a new country. But as per the law, the Pakistani president was the de jure sovereign. In such a situation, the rule of a de facto ruler is based upon force, or मतलब in the simple way, de facto होता है जो real sovereign होता है, मतलब जिसके हाथ में sovereignty होती है, और de jure होता है जो legal right, मतलब legally वो वहाँ पे राज कर रहा है, उसके हाथ में power है, but in real the other person is working as a supreme, okay. Then concept of popular sovereignty. Modern democracy is based on the concept of popular sovereignty, which means that the source of all authority is the people. So people kya hai, source of all authority hai. J.J. Rosick is credited with espousing it in modern times. But earlier also, the concept of popular sovereignty was not unknown. In medieval times, Cicero pointed out that the state was people affair. He held that the state was a moral community, a group of people, and the authority arose from the collective power of the people. And guys, Rosick was considered as the father of the concept of popular sovereignty. Then now we will see some of the concept of popular sovereignty contain following valuable ideas. Government does not exist for its own. Government खुद के good के लिए, for its own good, that is government खुद के for sake के लिए नहीं होती है. It exists for the good of the people. वो लोगों के अच्छे काम के लिए होती है. If people wishes are deliberately violated, there is a possibility of revolution. अगर जो लोग हैं उनकी जो विशेष है उनको वॉयलेट किया जाएगा तो फिर रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है. इजी मीन्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ लीगल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल थ्रू सच मीन्स एज फ्रिक्वेंट इलेक्शन, लोकल सेल्स गवर्नमेंट, रेफरेंडम इनिशिएटिव एंड रिकॉल. तो गवर्नमेंट के मतलब ये सारी चीज़ें होना चाहिए, इलेक्शन, फ्रीक्वेंट इलेक्शन होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें होना चाहिए. गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी डायरेक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द लैंड एंड नॉट एक्ट आर्बिट्रेरीली. मतलब मनमानी नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट ने खुद की. इट शुड बी एक्ट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड रेगुलेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरिटी वॉज एक्सेप्टेड एज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस इन द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसे एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरिटी एक्सेप्ट किया, एज अ बेसिक प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया गया है. द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, दैट दे आर इंडोर्ड बाय देयर क्रिएटर विद सर्टन इनअलिनेबल राइट्स, दैट अमोंग दिस आर लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. तो ये सारी चीज़ें जैसे जो अमेरिकन लिबरल रिवॉल्यूशन हुआ था तब एक्सेप्ट की थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में एक्सेप्ट की गई थी. देन ऑस्टिन कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरिटी. ऑस्टिन ने क्या कहा है, द लीगल व्यू ऑल्सो कॉल्ड द मोनिस्टिक व्यू और ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सोवरिटी.
वॉज प्रपाउंडेड बाय जॉन ऑस्टिन. जॉन ऑस्टिन ने कौन सा व्यू बताया, लीगल व्यू और मोनिस्टिक व्यू. देन अ ग्रेट जुरिस्ट इन हिज बुक लेक्चर्स ऑन जुरिस्प्रूडेंस. According to Austin, if a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society, and the society is a society, political and independent. अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोवरिटी. अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है सोवरिटी की, सोवरिटी इज़ नेसेसरी फॉर द स्टेट. हाँ, सोवरिटी ज़रूरी है स्टेट के लिए. सोवरिटी इज़ वन ऑफ द फोर एलिमेंट ऑफ द स्टेट एज वी हैड सीन इन द लास्ट वीडियो. देयर कैन नॉट बी अ स्टेट विदाउट सोवरिटी. सोवरिटी के बिना कोई स्टेट नहीं रह हो सकता. इफ स्टेट इज़ अ बॉडी, सोवरिटी इज़ इट्स स्पिरिट. मतलब अगर स्टेट बॉडी है तो सोवरिटी उसकी क्या है, आत्मा है. द स्टेट कैन नॉट एलिनेट इट्सेल्फ फ्रॉम द पावर ऑफ सोवरिटी. द एंड ऑफ सोवरिटी मीन्स द एंड ऑफ स्टेट. सोवरिटी हैज़ टू बी डिटर्मिनेट. इट रिसाइड्स इन अ पर्सन और द बॉडी ऑफ पर्सन. टू ऑस्टिन स्टेट इज़ अ लीगल ऑर्डर इन विच द सोवरिटी कैन बी लोकेटेड वेरी क्लियरली. इट कैन नॉट बी द पीपल और द इलेक्टोरेट और द जनरल विल, सिंस ऑल ऑफ दिस आर वैल्यू एक्सप्रेशन. It is not vested in God also. Sovereign must be a human being or the body of human being who can be identified. मतलब sovereign क्या होना चाहिए, एक human being चाहिए या फिर एक body of human being जो हम identified कर सकें. Sovereignty has to be determinate. It reside in a person or the body of, as I had tell you. To Austin state is a legal order in which the sovereignty can be located very clearly. हमने पढ़ लिया है शायद. Sovereign is the supreme power in the state. He is the source of all authority in the state. His authority is unlimited and absolute. So guys, आप ये पढ़ सकते हैं. अगर ये आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है जो हमने लास्ट टाइम अच्छे से पढ़ लिया था. इसमें कुछ 7 पॉइंट्स हैं. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा. दिस अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सोवरिटी, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज सोवरिटी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट दैट इज़ एब्सोल्यूट, परमानेंट, यूनिवर्सल, इनअलाइनेबल, एक्सक्लूसिव एंड इनडिविजिबल. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है. सो गाइस, ये हो गया हमारा ऑस्टिन कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरिटी. सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ सोवरिटी. देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डेफिनेटली कम्प्लीट द चैप्टर सोवरिटी. कुछ टॉपिक्स बचे हैं 2-4, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर लेंगे. गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन एंड आल्सो लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच. वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.